नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांधी चौक धमतरी में प्रदर्शन कर नारेबाजी कर छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार का पुतला फूंका गया। भाजयुमो द्वारा आरोप लगाया कि हाल में ही कुछ आईएएस अधिकारियों के यहां ईडी का छापामार कार्यवाही की गई, जिससे आईएएस अधिकारियों का संपत्तियों का उजागर भी हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ईडी की कार्यवाही में आईएएस अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है। इससे साफ प्रतीत होता है जितने भी काले कारनामे हों इन्हीं के संरक्षण में किया जा रहा है। वहीं भाजयुमो कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि छत्तीसगढ़ सरकार ट्रांसफर के नाम पर भी वसूली अभियान में लगी हुई है। आए दिन किसी भी दिन ट्रांसफर की सूची जारी किया जा रहा है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि भूपेश सरकार कितनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे राष्ट्रपति ने प्रदेश के आह्वान पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत निर्देश अनुसार जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसके विरुद्ध जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं वो संरक्षण अपने अधिकारियों को देते जा रहे हैं। जिस प्रकार से मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि आए दिन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफ़र इसलिए किया जा रहा है कि वो दो नंबर की चीज़ों को कन्वर्ट करके अपने ऊपर आला कमान को भेजें। आप भी जानते हैं 10 जनपद कौन है क्या है, तो इस वजह से आज हमने यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया और मुख्यमंत्री जी से अभी भी हम आश्वस्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने इस चीज़ों को बंद करें, नहीं तो जनता के सामने हम उग्र आंदोलन करेंगे। उनका खिलाफ़ जो पोल खोल रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी पोल खोल रही है, पोल खोलेगी और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पुतला दहन का मेन कारण है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है अपराधियों को संरक्षण देने की बात की, आप देखने होंगे कांग्रेस की सरकार आने के बाद कलेक्टरों के घर से करोड़ों रुपये बरामद हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आप तबदले भी आप देखेंगे जितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सिर्फ आज तक भाजपा राज में आपने कभी इतने ट्रांसफ़र नहीं देखे होंगे, क्या दिन हर 15 दिन में यहाँ से यहाँ इतने लोगों का ट्रांसफ़र। तो अब अधिकारियों को भी भूपेश सरकार संरक्षण दिया जा रहा है। ये सब काम इसमें क्या क्या किया है आज इसमें हमें पुतला दहन किया गया, जो अभी ईडी का मामला था जिसमें कांग्रेस सरकार का उनको अंदर ही अंदर समर्थन किया जा रहा है, जिसके भूपेश बघेल जी उनके लिए लगे हुए हैं, इसी को बयान करते हैं पुतला दहन के। इसमें ज्ञापन व्यापन भी दे रहे हैं जी, SDM को ज्ञापन दिया गया था बस कर दिया। जिनके पास से बेअपराध संपत्ति निकली है, सोना निकला है और कैश बरामद हुआ है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार संलिप्त है ये सरकार, जिसके लिए हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी जितने भी जनता है वो लगातार इस बात को बोल रही थी। और देखा जाता है कि छोटा छोटा पटवारी से लेके छोटे से छोटा अधिकारी बाबू से लेके कलेक्टर तक के, कलेक्टर से लेके सरकार तक के सभी की सब भ्रष्ट है। ये सोनिया गांधी के ATM की तरह काम करते हैं, यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके पूरे देश भर में कांग्रेस को चलाने के लिए, जीवंत करने के लिए चलाया जाता है। और जब EDB की कार्यवाही हुई है तो उस कार्यवाही के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है और भूपेश बघेल का कार्यकृत एकदम निंदनीय है। इसीलिए युवा मोर्चा आज ईडी की उस कार्रवाई में जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनका और छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला फूंका है।